अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन को अपने साथ रख सकते हैं या आप कोविड की वैक्सीन को बिना किसी हेल्थ वर्कर की मदद से खुद ले सकते हैं। बिल्कुल सही सोचा। देश में इस वक्त जितनी भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा रही हैं वे सब इंजेक्शन से दी जा रही हैं। ये सभी इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है, लेकिन भारत में जल्द ही नाक के जरिए भी वैक्सीन को दिया जा सकेगा। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की बात करें तो ये एक सिंगल डोज वैक्सीन है जिसके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। दरअसल किसी भी वैक्सीन को लगाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कुछ वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए दी जाती हैं तो कुछ ओरल दी जाती हैं, जैसे पोलियो और रोटावायरस वैक्सीन। वहीं कुछ वैक्सीन नाक के जरिए भी दी जाती हैं। इंजेक्टेड वैक्सीन को सुई की मदद से हमारी त्वचा पर इंजेक्ट कर लगाया जाता है। वहीं नेजल वैक्सीन को हाथों से या मुँह के जरिए नहीं बल्कि नाक के जरिए दिया जाता है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी की इंट्रानेजल वैक्सीन BBV154 को लेकर PBNS ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के महामारी विज्ञान और संक्रामक रोग विभाग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर रमन गंगा खेडकर से बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि कोरोना वायरस म्यूकोसा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और म्यूकोसल मेम्ब्रेन में मौजूद सेल और मॉलिक्यूल्स को इन्फेक्टेड कर देता है। बस नेजल वैक्सीन से म्यूकोसल मेम्ब्रेन में मौजूद वायरस को निशाना बनाया जाता है। चलिए सबसे पहले सुनते हैं डॉक्टर रमन गंगा खेडकर ने नेजल वैक्सीन और इंजेक्शन वाली वैक्सीन के बारे में क्या कहा। नेजल वैक्सीन अगर आ गई तो वो इंजेक्शन के ढंग से जो वैक्सीन दी जाती है उससे कई गुना वो असरकारक रह सकती है। इसका मुख्य कारण क्या है, हमने जो इंजेक्शन वाली वैक्सीन देखी है उसमें इंजेक्शन वाले वैक्सीन में उसका असर हमने किसके ऊपर देखा है, वो असर देखा है कि जिसकी वजह से सीवियर कोविड डिसीज नहीं होता है या मृत्यु होने की शक्यता कम हो जाती है। लेकिन हम इन्फेक्शन को रोकने में उतने कामयाब नहीं होते हैं क्योंकि ये वैक्सीन्स जो हैं ये स्टरिलाइजिंग इम्यूनिटी नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात हमको समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि विषाणु अगर नाक या गले के मात्रा से शरीर के फेफड़ों में जाने की कोशिश करेगा तो उसको रोकने के लिए जो प्रतिकार शक्ति चाहिए वो प्रतिकार शक्ति बनाने के लिए ये इंजेक्शन से देने वाली जो वैक्सीन होती है वो कामयाब नहीं होती है। अब ये अगर कामयाब होना है तो जो लोकल ड्रॉप्स की वजह से जो वैक्सीन दी जाएगी जैसे नेजल ड्रॉप्स है तो वो उसकी वजह से हमारे अंदर की जो स्किन होती है, अंदर की जो चमड़ी है वो उसको वो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इम्यूनिटी आ जाती है जिसको हम म्यूकोजल इम्यूनिटी बोलते हैं। वो अगर म्यूकोजल इम्यूनिटी हो गई तो अगर विषाणु मेरे शरीर में, मैं छोटा बच्चा हूँ मेरे शरीर में ये विषाणु जाने की कोशिश कर रहा है तो जैसे ही वो नाक के अंदर आएगा या गले के तरफ जाएगा उसको रोकने में हम मेरी प्रतिकार शक्ति ज़्यादा कामयाब हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि चूंकि ये वैक्सीन ड्रॉप्स वाली वैक्सीन है तो क्या आप इसे खुद घर में दे पाएंगे? जी हाँ, डॉक्टर रमन गंगा खेडकर कहते हैं कि इसके काफी चांस हैं क्योंकि नाक में ड्रॉप्स कोई भी डाल सकता है, लेकिन इसके लिए पहले बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। अगर ये वैक्सीन आई तो मैं घर में दे पाऊंगा क्या? घर में देने का चांस तो बहुत ज्यादा है क्योंकि ये वैक्सीन स्टेबल रहेगी, ये हमको रूम टेम्परेचर में और ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए फ्रिज के अंदर हम रख पाएंगे। नाक में ड्रॉप्स डालना ये तो आम बात होती है, कोई भी डाल सकता है, लेकिन ये देने के लिए हमको पहले थोड़ी फिजिबिलिटी स्टडीज करना पड़ेगा। या तो वो जो वायल्स रहेंगे वो एक डोज की वायल ही रहे, लोग यानी गलती से ज़्यादा वैक्सीन के ड्रॉप्स ना डालें, जो लोगों को बराबर समझा है क्या नहीं ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये बनाने के लिए भी, इस ढंग से घर में देने के लिए भी जो चीज़ें हमने करनी है वो हम कर पाएंगे, अलग अलग ढंग से उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, लेकिन ये घर में भी दे सकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही हमने डॉक्टर रमन गंगा खेडकर से बच्चों की कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने इसके बारे में हमें बताया, इसलिए बच्चों में जो तीव्रता होती है ये इन्फेक्शन की ये बहुत कम होती है। लेकिन इसका मायने हम अब ये समझे क्या कि अगर उसको मौत होने का डर या सीवियर कोविड डिसीज होने का डर अगर बहुत ही कम है बच्चों में तो क्या उनको वैक्सीन दी ही नहीं जाए? शायद ये भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमको एक समझना पड़ेगा कि आज भी हमको ये कोविड डिसीज अगर एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड मात्रा में अगर हमको होता है तो
तो उसके लंबे अवसर तक क्या परिणाम होंगे इसके बारे में पूरी मालूमात नहीं है। अगर पूरी मालूमात नहीं है तो ये छोटे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चों को तो और कई दशक 60-70 साल की जिंदगी निकालना है। अब ये बच्चों के ऊपर अगर उनके सेहत पे कुछ असर हुआ ये इन्फेक्शन माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक होने की वजह से, तो हम अपने आप को गुनहगार ही समझेंगे। तो इसलिए हमको वैक्सीन देने की तो कोशिश करना ही पड़ेगा, लेकिन वो वैक्सीन अभी तक जो हमारे देश में बनी हुई है वो 12 साल के उम्र के ऊपर के बच्चों को हम दे सकते हैं। जिस किस्म का अप्रूवल मिला है वो वैक्सीन शायद ये सितंबर या अक्टूबर एंड को ये मार्केट हमको वो सरकार को शायद बेचेंगे। ये जाइकोव डी करके जाइडस कैडिला की वैक्सीन है, तो उस वक्त ये सोचना पड़ेगा हम सबको कि क्या मैंने वो वैक्सीन देना है, क्योंकि स्कूल शुरू होने का टाइम भी काफी नजदीक आते जा रहा है। बता दें, नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी के पॉल के अनुसार भी नेजल वैक्सीन हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि अगर यह सफल हो जाती है तो आप इसे खुद भी ले सकेंगे और इसकी वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी आएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।